दिस इज राजेश खेरा। हाय। जियो, आई थिंक जियो इज द राइट वर्ड। ये बर्तन धोना, ये कपड़े धोना, ठीक है यार, बिग टाइम, बिग शिट, नॉट अ प्रॉब्लम है। हाँ, मैं तो इस वक्त थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ कंपेयर टू वेरी मेनी अदर्स, कि मैं एक बंगले में रह रहा हूँ अपने मम्मी डैडी के साथ। बहुत सारे पेड़ हैं, तो हरियाली है, हरियाली का एक अलग ही सुख होता है। सो आई एम ब्लेस्ड। कंस्ट्रक्टिव, मैंने देखा कि बहुत सारी आम के पेड़ की ब्रांचेज ना जिया उगानी थी, तो आम की जो टहनी थी या टहनियाँ थी वो सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, तो मैंने ऊपर चढ़ के टहनियाँ काट दी। फिर मैं उनको और छोटा कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं मैं उनको संभाल के रखूँगा, वो सूख जाएंगी, तो जब सर्दियाँ होंगी पूना में तो फिर उसके मैं बॉनफायर करूँगा और बाकी को मैं कैसे निकाल दूँगा। सो एक्सरसाइज भी हो रही है, और ऐसी एक्सरसाइज आई थिंक इट्स फार मोर ब्यूटिफुल, फार मोर इफेक्टिव। हाँ, यूट्यूब में मैं रेसिपीज़ ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि कल मैंने चाउमीन बनाई, मम्मी डैडी को खिलाई, टच वुड अच्छी निकली। सो आई एम बिकमिंग ए बेटर कुक, यस। और मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि मैं क्या कंस्ट्रक्टिव कर सकता हूँ। एनी वेज, द आइडिया इज़ टू बी होम, बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी मच इन योर होम। बाहर निकलना है तो ओनली इफ़ नीडेड, इफ़ रिक्वायर्ड टू बाय प्रोविजंस एक्स वाई जी, बिकॉज मामला डेंजर है यार। मतलब सुनने को आता है आज इतने हज़ार केस आ गए, मतलब इम्यूनिटी हमें अपनी स्ट्रांग रखनी है। सो ट्राई एंड एक्सरसाइज वेर एवर यू आर, विद इन योर फ्लैट्स, गो टू द टेरेस इफ पॉसिबल, और वट एवर, जस्ट गेट योर, कीप योर इम्यूनिटी स्ट्रांग, ईट हेल्दी, और अपने आप को मेंटली स्टेबल रखो यार। बहुत मुश्किल काम है, आई नो दैट, आई रियली नो दैट। इट्स लाइक स्पेशली व्हेन यू आर सो यूज्ड टू योर स्पेस एंड इंडिपेंडेंस, खाने को दौड़ता है। सो समटाइम्स माई मॉम एंड मी वी आर लाइक दिस, बट देन शी ऑल्सो अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, फाइनली इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सो जस्ट ब्रीद, ट्राई टू मेडिटेट, आई डोंट नो हाउ यू मेडिटेट बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग, बट इट वर्क्स, पीपल से। गाइज बी सेफ, लिव गुड, इंशाल्लाह ये जल्दी कोरोना भाग जाएगा।